हेलो, हेलो मुसा, नमस्ते। ठीक नमस्ते। हो सर? मैंने 4 दिन पहले आपसे बात करी थी ना। हाँ अब नो करिए, ये जो हाँ आपकी बुआ लगा ना बीरो, हाँ अब इसको आज हमारे घर में 4 बार माँ बेटिया ने फोन कर दिया। हाँ और मैंने आपको 4 दिन पहले कहा था, हमारे घर में अगर आपकी बहन को तकलीफ होगी तो वो आपको बताएगी और उसका समाधान हम करेंगे, आप करेंगे, ठीक है। हमारे हाँ घर में इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए ठीक है। तुरंत, क्योंकि हमारी लड़की कह रही थी, अरे मिसी से हो रहा है दिमाग खराब तेरी मौसी का, क्योंकि स्पष्ट बताऊं अभी से ना बहुत ठगी हो रहा था। वो एक मामले में नहीं, कई मामले में। मुझे क्या मतलब, पड़ोसी हमारे ठीक है, रिश्ता करा दिया, अच्छी बात है, हमें लड़की से कोई वो नहीं है। अरे मैंने शादी से पहले कहा था, आपने कहा अभी को मंगाना भाई, अभी मत कहना, बुढ़ा मुँह उड़ाऊंगा क्या फायदा। उसको कहते ना हमारे घर में मिसिज के, आपकी मौसी के, कहीं ना फोन करने की जरूरत है और ना पूजा से मिलने की जरूरत है। कोई तकलीफ होगी लड़की को, पूजा को, तो आपको बताएगी। हमारे ठीक है मौसम। घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। आज माँ बेटिया का 4 बार फोन आ लिया, श्री मौसी ने कही और हमारी लड़की ने, किस वो उस बात का है ना, बात पे? वो पूजा ना आज जाते या पूजा रोई, वो बोली मौसी ने बोला कि 8 लाख रुपए की एफडी की कही थी। हाँ कही थी, सही। इसने बताऊँ क्या हुआ, इसने, ये आपकी बुआ ने गाड़ी के लिए कहा था एफडी कराऊंगे, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। अगर मान ले आपकी मौसी को इसने झूठ बोल दिया, चाहे आपसे बात ना करी ऊपरी ऊपरी तौर पे, वो भगवान देखेगा। वो अगर मैंने गलत किया था, वो मेरे को सजा मिलेगी, और आपने किया है तो आपको मिलेगी, वो छोड़ता नहीं किसी को। अब यो जैसे मैं कार्ड बांट रहा था पूरे पानी में, इसकी बड़ी बहू हर हर घर में रोती बेचारी जाकर, और मेरे साथ नू करा, मेरे साथ नू करा। मैं कहा ऐसा मारा है ब्याह, और इसने कराया है, अब सारा घर का मामला है, सास बहू का, बेटे का, समझाणो। प्रताप था, मैंने कही माँ भाई आपका बेटा लड़का है, माँ कार्ड दे दू। प्रताप छूटते साथ नू बोला, भाई मैं तक करता नहीं, तेरी इच्छा होते दे। मतलब ये इनकी, ये 65-65 साल की होगी, इनमें इतनी अकल नहीं। और मैंने अपनी बहन का आपको बताया था, मैं हमेशा होश में बात करता हूँ और अगम की करता हूँ। मैंने मैंने दुनिया बहुत देखी है, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, हम परख लेते हैं। अतः इस मारी वो पूजा रोई क्या हुई कि मुझे बता, मैं तो ऊपर गया ही नहीं, ना मैं जाऊँ। लड़के ऊपर बहन है हमारी, लड़की है, बहू है, वो काम करे वो तो तो ठीक है मौसा, ये बताओ वो 8 लाख रुपए वाले के बात थी या था आप मतलब इसने, छिप सुने छिप ऐसा दिया है हमको वो? मैं, एक अरे बात, सुन एक मिनट पहले, मेरी सुन लो आप। मतलब ये आपने ठीक लग गया कि लड़की तो पहले ही दिन जाते ये बात मतलब बोली, वो मौसी बोली कि बेइज्जती करवा दी मारी और 8 लाख रुपए की और एफडी हाँ हाँ करवा। वो मैं बताऊंगा ना। हालांकि मैं देखे ऊपर गया नहीं हूँ कती, सुबह से वो हिसाब आया। आपकी मौसी ने, जैसे आपने कोई बात कही, अपनी बीरो ने, छोड़ो आप, आपने कोई बात कही कि मौसा नू करेंगे, तो विश्वास हो गया ना भाई, रविंदर करेगा। अगर अब तक कुछ देंगे नहीं, हाँ ब्याह में गाड़ी के नाम के 8 लाख की एफडी करवाऊंगे। इसने, आपकी बुआ ने एक बार नहीं 500 बार कहा, और आपकी मौसी ने अपनी रिश्तेदारियां में हमारी जो बहने हैं सबको प्रताड़ित कर दिया। रिश्ते का रिश्ता कितने का लिया उसने, कर दिया। अब वो उसकी रिश्तेदारी आ रही है, अब यहाँ मिल गया, यहाँ मिलेगा कोरा कागज। सुन ले मेरी बात है, जो आपने कह रहे हैं पूजा को ऐसे नू महसूस किया लड़की ने, इसको मिल गया कोरा कागज। और आपकी मौसी बहुत कड़वी है, ना जेल जाने से डरती ना कहीं से डरती। हालांकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद मैं गाड़ी घोड़े के चक्कर में अपनी इंस्टिट्यूट करा मारी था, भगवान की दया से बढ़िया नौकरी चल रही। लेकिन आपकी मौसी ने हर जगह प्रसारित कर दिया आपकी बुआ के कहने से, और यहाँ मिला कोरा कागज, तो दुख होगा कि नहीं होगा? अब माने आप अपनी मौसी की जगह आप हो, तो आपके अंदर फीलिंग क्या हुई? अपने ऊपर लेकर देखो आप, बस सारा उत्तर अपने मिले। मैं एक मेरी सुन लियो, मौसी की जगह मैं आऊंगा तो हाँ मौसी, मैं सिर्फ बिचौले की बात करना चाह लू, मैं थोड़ा दूसरा जो मेरी फैमिली से जुड़ने जा रहा है उससे भी कंफर्म करूंगा। मैंने शादी थे दो मतलब 10 या 10 दिन पहला मम्मी ने मौसी से बात करी थी कि हम बाइक दे देंगे, तो मौसी ने साफ मना कर दिया। तो एक बात बताओ आप, इस बात ने समझो, अगर हम बाइक गाड़ी के 8 लाख रुपए जमा करवाने वाले हैं तो हम बाइक के क्यों पूछेंगे?
बस ये ऐसा बात है इस बात से। मेरी बात, हाँ मेरी बात तो सुन भाई, बात ये है, शादी की बात है, 1 रुपए की चर्चा करना दहेज का मामला बनता है, सुन ले मेरी बात। और जो माँ बाप अपनी बेटी ने 20-22 साल पढ़ा लिखा कर भेज दे है दूसरे के द्वार पर, उससे बड़ा दहेज होता नहीं है, सुन फिर मौसाई भी ले। अपवाद अरे सुन, मेरा मेरा निजी विचार है, पर तेरी मौसी जेल जाने को भी तैयार है। मैं मेरा अपना निजी विचार है, जिसने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दिया, पाल पोस के दूसरे के सुपुर्द कर दिया, उसे बड़ा दहेज मैं नहीं मानता। और मेरा तो बहुत, मैं कहता हूँ, मैं यहाँ ये तो मेरा एक बदनसीब है, यहाँ गांव में रह रहा हूँ, हमारी तो सोच बहुत अलग तरह की है। तेरी मौसी बहुत कड़वी है भाई, न्यू कर आगे कोई तू स्टेप उठावे और तेरे को भारी पड़ जाए, मुश्किल हो जाए, अपनी मौसी से आके मिल ले 1 दिन में 2 दिन में, नहीं तो भैया इतनी जहर की भरी हुई है। मैंने कहूँ आपकी बहन को तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ कहेंगे हम, सुना मेरी बात। अब ये है कि वो मन में जो खटास होती है ना, वो न्यू भरी रहेगी तो नहीं रहेगी, वो खटास जब तक आप मतलब नहीं मिलोगे ना। मेरी बात सुनो, आप इसने छोड़ो, बीरो ने छोड़ो, मोटरसाइकिल ने छोड़ो, पता नहीं कौन के दे रहा है, ये केरा दे जो रहा है, आवे है आप मस्ती जिसने मस्ती। आपको सहूलियत हो ना भाई, सुन ले, मैं नहीं कहता, मैंने मैंने कुछ नहीं, मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे को तो एक तरह से इन्होंने आपकी बुआ ना हिजड़ा समझ लिया, नपुंसक, अगर वो कुछ है ही नहीं, सुन ले मेरी बात। अगर नहीं हो ऐसी होती थी, आपके पापा की बात होती, मेरी होती, वो पूछे कोई डिमांड है, ये मैं बताता ना क्या डिमांड है। ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां, ऐसा बढ़िया बढ़िया रिश्ते छत्ती छोड़ दी, वो बात अलग है। लेकिन मान ले चलो, ये बीरो के कहने से आपकी मौसी ने हाँ कर ली है, और वो जिसने जो वादा किया था उसको धोखा मिला कल, तो वही उसको दुख होता होगा। मैं उसका फेवर नहीं कर रहा, आपकी मौसी मतलब का, एक सुन। एक मिनट सुनियो, मतलब आपने इससे सुंदर सुंदर लड़कियां छोड़ दी और ये लड़की से पक्का किया था, इसका मतलब वो पैसों के ऊपर रिश्ता पक्का हुआ था। मैंने नहीं करा, मतलब आपने क्या ये बात कह आपकी दी, वो बुआ ने इस बात का क्या मतलब आपकी, या आपने जो बात कही इस बात का तो यही मतलब है कि वो सुंदर लड़कियां इसलिए छोड़ दी क्योंकि सुंदर लड़की वो है, पढ़ी पैसे के लिखी लिए है, मना कर सुनो, रहे थे कि गुणगार नहीं। है वो, माले तेरी बताओ, मैंने ना माँ बेटों को हमेशा आगे किया, भाई इनकी पसंद है वो मेरी पसंद है, जो यो अच्छी लगी आपकी बहन तो हमें सबसे अच्छी लगी, सुनो अच्छी मेरी लगी बात, फिर ये पैसे की बात कहाँ था आगे पैसे की मोसारे, बात आप कहाँ तक भी आ गई। तो अब यो जो आप कह रहे ना पूजा नू, वो मतलब भावुक सी होगी भी, ऐसे ये आपकी बुआ ने वो नू झांसा दिया आपकी मौसी को, तो भाई दुखवानी होगी। वजह साहब मेरी बात तो सुनते नहीं, वो बात बताओ ना, मैंने जब बाइक की पूछ ली तो आप ये बताओ, अगर मैं गाड़ी के पैसे जमा करवाऊंगा तो मैं बाइक की क्यों पूछूंगा उस टाइम पे, ये तो क्लियर कर सके भाई, तुम गाड़ी के पैसे करवाओ तो बाइक की क्यों पूछो हो, उस टाइम पे क्लियर करने का हक आपने बनता है आपने नहीं, मेरे से पूछा भाई के पूछा आपने। बाइक की या कार की, मेरे से सलाह ली, मेरे से आपने एक बार भी कहा, मैं आपको जरूरत के मुताबिक फोन करता हूँ, आपने मेरे से ना कही बाइक की कार की, अगर बाइक की लिए हम कह रहे हैं। आपके घर में वो भी मौसी तय मम्मी ने बात कर ली तो वो भी तो घर का सदस्य होगा, आप हाँ घर कहो, का एक सदस्य मिनट है, अच्छा सुनो, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात आप खुद कहो कि मेरा मन अपनी वाइफ और लड़का आगे कर रखा था, तो उनसे हाँ पूछ, कर रखे, आज भी कर रखे हैं, तो उनसे चलो ठीक है जी, पूछ। आपने कोई बात ना, हाँ आज जो परिस्थिति हुई हो, जैसे आपकी बहन कह रही है भाई ऐसे वो महसूस कर रही है लड़की, उसका महसूस क्यों समाधान नहीं क्या? होगी, एक मिनट ये बताओ, महसूस क्यों नहीं होगी, अगर विशाखा ही किसी के घर में जाओ है, एक तो पहले ही दूसरा घर पहले ही दिन मन वैसे हो जाए और जाते उसको ये बात सुनने को मिले, तो आपकी लड़की किसी के घर जाओगी तो आपके ऊपर के बीतेगी, आप ये बताओ मौसा जी। पैसा है आपका कहना ठीक है, लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना आपकी बहन को कुछ या आपने आपको, तो नहीं कहा अच्छा मैं आपको वही से कह रहा हूँ ना, देखो हर समस्या के हर बीमारी के इलाज होते हैं, वो मौसी सुन यहाँ पे बुलाई है, यहाँ पे अश्वनी के साथ आ रही हैं, उनसे मैं यहाँ पे बात कर लूंगा एक बार। कर लो, अगर आई है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप आ जाओ, आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, जिसे देखो मैं तो सुबह आया था मौसा, किसी ने बताई को ना, मैंने तो मौसी से पूछी थी कि मौसी कुछ गलती होगी हो तो बता दियो, तो मौसी बोली कि मैंने पूजा को बता दी, मगर ठीक है, मैं तो फिर भी ये बोल गया था कोई ना समाधान, कुछ गलती हो रही होगी तो उसका, मैंने के भी रहा था इतनी बड़ी गलती वो है, ये तो बात है। इतनी बड़ी गलती रविंदर है, ये आपकी सिर्फ बुआ जो लगा है, इसने आपकी मौसी को ऐसा शब्द नहीं बोलना था, ये नू कह देती
चलो गोवा ने गोल दिया था, आप एक बात बताओ ना, मैं क्लियर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिसमें मैंने बीच में बाइक का जिक्र अच्छा, कर मेरे दिया। को, मेरे को तो बोलने नहीं दिया भाई, सुन रविंदर तू बीच में नहीं बोलेगा मगा, ठीक है तू छोड़ेगा रिश्ता ना होने दे, ठीक है भाई। अरे हम तो बहुत ऊंचे, मतलब मैं तो इन चीजों में अटकता नहीं हूँ, सुनो मेरी बात। 4 महीने में मेरी 8 लाख की आ जाएगी गाड़ी, बता फिर मैं वो ही गाड़ी हमारे घर में खड़ी को लेके, लेकिन वो मौसी बोली कि हमारी इज्जत वो कर दी, तो मतलब पैसे तो इज्जत बनाएगी आपकी, पैसे भाई ऐसा सुन मेरे बात, तने जो केस करना हो कर, मौसी पे कर, मेरे पे कर, तेरी मौसी जो कहेगी ना वो होगा, तेरी मौसी की भी पूरी ताकत है। अब आ रही है आपके घर, आ रही है, तो उससे बात कर ले, तभी से बाधा निकलेगा। मैं तो जो कह रहा तेरी हाँ माँ है, मैं अकड़पन नहीं है मेरे अंदर, लेकिन ये मौसा जी मारे अंदर भी कौन अकड़पन था आपने देख लिया। आप जो कहोगे ना मैं तो वो हाजिर हूँ, लेकिन भाई अपनी मौसी को तसली नहीं करी ना, यो कहीं तक भी जा सकती है, जेल काटने तक के भी। मैं छोटी बात आपको आप अपनी, चलो ये बता दे फिर आप तसली करा कैसे, अपनी मौसी से बात कर ले उसके साथ कैसे धोखा हुआ, बस आप और साइकिल बात छोड़ो, आप आपके घर आ रही है ना वो, हाँ बस बात कर लो, समाधान होया बैठे है, और वो कन्फ्यूजन हो फिर कल आ जाइए। वो चाल पड़े बताओ थे वहां तक गिरते चल पड़े ना भाई, मैंने तो किसी का लेना है देना है, अब वो आवगी आपकी मौसी ना होगी मुझे क्या पता, मेरे को तो बोलने ही नहीं दिया मैंने, आपकी देखो बहन से मसा कोई एक मतलब बार, नहीं है, अरे ना आपसे कोई नाराजगी, सुनो मेरी बात, हाँ मेरे को तो आपकी बुआ ने मिसिज पे आपकी मौसी पे इतना वो डोरे डाल करके मेरे को तो कर दिया बोलती बंद, अच्छा बोलने नहीं एक दिया, बार नहीं बताओ, तो बात सुनो मैं आपसे बात करांगा, मैं अच्छा बात कह दू, मैं बोलने में हिचकू हूँ, ना 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 वो चखना भी नहीं चाहिए, जो सही बात है वो तो बोलनी चाहिए, मैं जो हिचकता नहीं हूँ, लेकिन वो आ रही है तो अच्छी बात है, फिर आपका समाधान हो जाएगा, वो आ रही है, और वो तो भाई वो सुनो तो मेरी आ बात, रही है, आप कोई ऐसे था आप आ जाते थे कोई मैं और सुना, जो मैं मौजूद जब मैंने की सदस्य। कही के बेटा और इसकी मम्मी जहाँ ये हाँ कर दे हमें सबसे सुंदर वो लड़की लगेगी, समझ गया, ये मैं अब इतनी सुंदर लड़की की जो चर्चा हुई ना ये इसलिए हुई कि माँ बेटों को तो अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन बिताना है, हम तो फकीर आदमी हैं, समझ गया मेरी बात को, सही जो बात, इनको पसंद है हमें वो भी, वो हमें भी पसंद है, ठीक है मौसा जी, तो आ जा तो अच्छी बात है भाई, पर एक मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी मौसी है ना बहुत ही मतलब मैं बुराई नहीं कहूंगा, जो यो शब्दों पर मरती है, और जो शब्दों पर वो है नहीं उतरा ना उसने फिर पकड़ती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है कती, सुन ले आपके परिवार की सारी सारी टोटली टोटली बीरो, और मैंने आपको कही थी हमारी बहन की बहन ने एक बार नहीं हजारों बार पैसे ले करके, हमारी बहन क्यों ना आई भाई, सारा ब्याह बिगड़ा को ने मेरी उड़ा झड़प हो जाएगी, और उसने रिश्ता करवाया, काम रिश्ते में कोई आंच आ जा कोई कमी आ जा तो इसमारी भाई तब अपने छोरे ने पहले बात खत्म, यो बड्डी हो जाएगी हम छोटे हो जाएंगे, हम तो करके रहेंगे, इसने बहुत ऐसे ऐसे कुकरम करम करा के मैं कह नहीं सकता।